सर की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, हमारे आंख के सामने सच्ची अटल को लेके आ गया। बस अटल जी की जो मैं पार्लियामेंट में देखती थी, जिस तरह से वो बोलते थे, पंकज जी ने वैसा ही परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म। उसमें अटल जी दिखाई दे रहे हैं मूवी में प्रॉपरली, लाइक आपको वन हु इज इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, और एज आई एम ह्यूज फैन ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी लाइफ के बारे में, हाउ सिंपल ही वॉज एज अ पर्सन, हाउ कंसर्न ही वॉज अबाउट पीपल। पॉलिटिक्स में भी लाइक अभी इफ वी वॉन्ट कि इंडिया को, हम अभी इंडिया बहुत अच्छी पोजिशन पर है, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस कैसे मिला उस टाइम से लेके अभी तक, मतलब कुछ अच्छे लीडर्स ही होंगे जिन्होंने कंट्री को इतना आगे बढ़ाया होगा, तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी का भी बहुत प्रोमिनेंट रोल था। तो इस मूवी से यू विल गेट टू नो लाइक इंडिया, थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट समराइज में डिफरेंट डिफरेंट इंसिडेंट्स होंगे उसके बारे में बताया गया है कि कैसे लाइक क्या रोल प्ले करा है अच्छे लीडर्स ने हमारी कंट्री के लिए, एंड हाउ बीजेपी अभी भारतीय जनता पार्टी कैसे इमर्ज हुई है, लाइक हाउ स्टार्टेड और अभी तक ये कैसे पहुँची है। एंड पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग, सर की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। कैसी लगी मूवी आपको? मैम बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छा। अटल जी की जो मैं पार्लियामेंट में देखती थी, जिस तरह से वो बोलते थे, पंकज जी ने वैसा ही परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। आप दूसरे को रेकमेंड करो किसी को जाने के लिए? हाँ सभी मस्ट वॉच फैमिली के साथ देखने के, बच्चों को दिखाने, स्पेशली छोटे बच्चों को दिखाने के। 4 stars? हाँ ठीक लगी है भाई। ही इज परफेक्ट, ही हैज ब्रॉट अटल बिफोर अवर आइज, हमारे आंख के सामने सच्ची अटल को लेके आ गया। बस फिल्म की हाईलाइट क्या है सर? फिल्म का हाईलाइट एक तो पहली बार वो एंटर करता है पार्लियामेंट में बलरामपुर सीट विन करके, द स्पीच व्हाट ही डिलीवर्स दैट इज अमेजिंग, द एग्जैक्ट व्हाट अटल जी स्टोन हियर पंकज त्रिपाठी हैज यूज्ड। सर आप फ्रेंड एंड फैमिली को रिकमेंड करोगे देखने के लिए? पक्का, द न्यू एज किड्स आफ्टर हु आर बॉर्न 2010 हु हैव नॉट सीन मच ऑफ अटल जी रूल, दे कैन कम एंड विजिट द मूवी। सर 5 में से कितने स्टार? 3 stars। आई थिंक इट्स बेस्ट चॉइस फॉर अटल जी। पंकज जी अपनी एक्टिंग से ही ऊपर उठे हैं और उनकी एक्टिंग में कोई शक नहीं कर सकता है, कोई उनको कोई कमी नहीं निकाल सकता है। उन्होंने बहुत अच्छा किरदार निभाया और काफ़ी हद तक अटल जी के कैरेक्टर को उन्होंने टच किया है। ऑफकोर्स ये बच्चों और फैमिली के साथ देखे जाने वाली फिल्म है और काफ़ी अच्छी फिल्म है, बल्कि ये बच्चों को ज़रूर दिखाई जानी चाहिए अपने देश के लिए, उनमें देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए फिल्म बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी फिल्म है। 4.5 out of 5। मैं इतनी एक्साइट हुई हूँ ना, मैं अभी देखो मेरी लड़की की शादी, मैं तो चाहूँ मेरी नाती अगर बने या नाता बने तो मैं उनको यही सीख दूंगी कि संघ परिवार से कैसा सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए। नहीं नहीं, ये ब्यूटीफुल एकदम परफेक्ट, मतलब हम उसमें अटल जी देख रहे थे, रियल, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इनको ऐसे ही आगे खड़ा किया है, एक जैसे बोलते हैं ना बावली को खड़ा करते हैं और चलो आप बोल दो, नहीं उसमें अटल जी दिखाई दे रहे। मैं बोली ना हमारे पास इतने स्टार है ही नहीं जो मैं दे, इतने स्टार में देना चाहूँगा, कम पड़ेंगे जो आसमान में तारे हैं वो भी कम पड़ेंगे, इतना स्टार देना चाहते हैं। पंकज त्रिपाठी ने इस कैरेक्टर को एक तरह से कहा जाए तो हिंदी में जीवंत कर दिया है, लाइक मैंने कभी भी इतने करीब से अटल बिहारी वाजपेयी जी को नहीं देखा था, तो पंकज त्रिपाठी के जितने एफर्ट्स हैं, जो टीम है, जो फिल्म के जितने टीम है, रवि यादव जी की टीम जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, उन्होंने जैसा काम किया है, मुझे लग रहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी मेरे सामने हैं और मैं कन्विंस हो पाया, मुझे ऐसा लग रहा था कि पंकज त्रिपाठी जी वो ना कर दे मिमिक्री, अरे भाई साहब ये वो, ऐसा नहीं, बट प्रॉपर उन्होंने कैरेक्टर पकड़ा है और मैं एज ऑडियंस उनसे सेटिस्फाइड। बायोपिक करना बहुत टफ काम है क्योंकि आज हमने सबको देखा है, लाइक अभी कोई मोदी जी की बायोपिक करेगा तो सबने मोदी जी को देखा हुआ है कि अरे मोदी जी ऐसे बात करते हैं, भाइयों बहनों इस तरह करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को हमने भी देखा है, तो पंकज त्रिपाठी ने जिस तरह से उनकी चीज़ों को अडॉप्ट किया है ना, तो कहीं से भी आपको चोरी नहीं दिखेगी, पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने कैरेक्टर को पकड़ा है, उनका बात करने का तरीका, मैं राइटर का भी हाथ है चीज़ों इधर उधर करने, प्लस मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड या फिर फिल्म ज़्यादा बीजेपी पॉइंट ऑफ व्यू वाला ना हो जाए, क्योंकि यार बीजेपी के नेता की कहानी है तो लोगों को ऑडियंस में ना घुस जाएगी और बीजेपी के लिए फिल्म बनाई है, दैट्स वाई थोड़ी सी कुछ
शॉपिंग करी गई है, दैट्स वाई थोड़ी सी अनबैलेंस हुई स्टोरी, बट फिल्म समझ में आ जाती है, मज़ा आ जाती है, मेरे को समझ में आ गया था।